इसको ऐसे करके पकड़ा था, इतनी सी थी, इतनी सी होगी, इतनी सी। आज देखो हाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सब लोग, आई होप सब लोग सही हो गए और मजे में हो गए। तो भाई अभी ये व्लॉग तो बना रहा हूँ मैं, इससे पहले के ना तीन व्लॉग आएंगे, वो देखना। एक छोटा क्लास का आएंगे साथ, एक या दो आप देखते हो कितनी सीरीज में कितना टाइम पे बनता है, और एक आएगा जब मैं कुत्तों को लेके आया था अपने, ठीक है। नहीं तुम्हें, हाँ ये व्लॉग तो उसके बाद ही डालूँ, तो तुम्हें पता है जैकी जूलियम ने जो बच्चे लाए उन्हें एक महीना हो चुका है, और एक महीने से मेरे व्लॉग बना के रखा हुआ है और मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। देखा कितना कंसिस्टेंट यूट्यूबर हूँ मैं, अंडर रेटेड एंड गजब यूट्यूबर। इनके मुंह से आ रही है बदबू। नहीं सुना जा रहा भाई, नहीं नहीं जूली, बिल्कुल नहीं, बहुत गंदी बात मारती हो तुम। और ये साले मेरे साथ सोते हैं, तो अब नहीं हो रही है इनकी बदबू कंट्रोल हमसे, तो हमने सोचा इन्हें नहला लें। ऐसा नहीं है कि एक महीने से इन्हें नहलाया नहीं गया, नहलाया गया है भाई। चार पाँच दिन से मैं थोड़ा बिजी था, दिल्ली वगैरह गया था कुछ टाइम से, तो 10 दिन से या 10 दिन से नहीं नहला। पाँच दस दिन से तो नहीं डलाया, और बदबू ऐसी आ रही है, गू खाया हुआ, गू सालों ने ची 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 ची, कितनी गंदी बदबू आ रही भाई। ब्रश कर लिया करो, ब्रश ब्रश कौन करेगा जैकी? हो गया इतनी दूर से बस। देखी जूली, ए ए ए ए, ए, ए छोड़ उसे। देखा बेबी के साथ साथ ये बच्चे भी मैंने ट्रेन करके रखे हैं। जैसे लाइक आपने देखा होगा जब हम बेबी को लेकर आए, तो उस टाइम पे पिटबुल्स के अराउंड कितनी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि पिटबुल ऐसे होते हैं, पिटबुल्स ऐसे होते हैं। बट मैंने बोला था अपनी वीडियोस में कि तुम मेरा कुत्ता देख लेना, मैं कैसे हैंडल करता हूँ, ठीक है। और मैंने रखे हैं, ठीक है। बेबी को पता चल चुका है कि इनकी आज बारी है नहाने की, तो बहन जी सोफे के नीचे जाके बैठ गई हैं। बेबी यहाँ इधर है, ठीक है, इस साइड है। बेबी जरा, बेबी नहीं आएगी। पकड़ पकड़ पकड़, मम्मी क्या रखा है? बेबी बेबी पकड़ 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 पकड़, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। अरे कौन आ गया ये? पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो उसे, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। अब देखना, अब देखना, अब उसको रियलाइज हो गया कि भाई मैं झूठ बोल के बाहर बुलाया, तो इज्जत के साथ हमारे पास आ गई है। भैया अपना मुँह दिखा, इसके मुंह से नहीं आ रही उतनी, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, पर इतनी भी आ रही है तो। पर हम इन तीनों को नहलाएंगे आज, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों नहा, क्यों नहा, क्यों नहा, नहीं क्यों नहीं, क्यों ना हम व्लॉग बनाए। जूली देखो, जूली छोड़ो छोड़ो उसे, अरे कुकुर अभी थोड़े बच्चे। सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है लड़की को। चलो चलो बाहर नहाने की बारी। और हाँ, उससे पहले हम आपको ड्रेड दिखाते हैं, हमने ड्रेड का नया लुक। मम्मी एक बार आना, ये हमारी माता श्री है, इन्हें हमें बैठा के रखा है, ये खाना खाने को बोल दीजिए। मैं नहीं खाना नहीं खाओगे आप, पहले हम कुत्तों को नहलाएंगे। मम्मी आना एक बार, मेरे ड्रेड दिखा पीछे से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे फिर रहे खाना, फोन आ जाओ यहाँ रख दे यहीं पर। बुड्ढा उठ गया तुम्हारा, मतलब हमारे पिता श्री दिखा, यहाँ से पकड़ इसको, ऐसे ऐसे रखना, ठीक है। तो ऊपर को क्या, ऐसे ऐसे, बस 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 हो गया, ठीक है, देख रहे हैं। तो भाई ये हमारा लुक है नया लुक, कुछ टाइम तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे फिर नया। और आज मैं सोचा था अपनी ये ब्रीड दाढ़ी दाढ़ी ब्रीड कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आज मैं सोचा था कि मैं अपनी दाढ़ी सही करके आऊँगा, बट मुझे आज पता चला कि आज मंगलवार है और हम अपनी ऐसा ट्रिम वगैरह नहीं कर सकते, वरना मैं ये चीज़ें और ये चीज़ें थोड़ा सही करके इस लुक को ऐसा तगड़ा सा वो देने वाला था, ख़तरनाक सा, बट वो चीज़ हो नहीं पाई। पहले हम नहलाते हैं और फिर वो चीज़ आपको दिखाते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, तो इनकी बारी आ गई है नहलाने की, अगर मैं आपको दिख रहा हूँ तो हरा दिया ना, ना वो सैड रिकॉर्ड तो इधर चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैकी और जूली को नहलाएंगे, ये छुटके छुटके से जल्दी नहा लेंगे, उसके बाद फिर आएगी बेबी की बारी। जल्दी करिए, खाना 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 तुमने, इधर इधर नहला ले, तो उधर धूप हो रही है ना, तो धूप में थोड़ा हो नहीं पाएगा। और अंदर ये ना, अंदर वो जगह कम, दरवाजा बंद कर दे। हां बेबी बाहर आओ, चल आई जाएगी बाहर। तो सबसे पहले आई है बारी, हटो तो मम्मी एक बार, जल्दी
इधर को बैठ जा, यहाँ पर बैठ जा तो इधर को पकड़ नहीं सकती, ऐसे बैठ जाओ। दिख रहे हो तुम, दिख रही है माता श्री, दिख रही है, दिख रही है। इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते कि हमारे कुकुर भी दिख जाए, ठीक है, और बच्चे दिख ही जाएंगे। पानी भी लेते हैं पहले, पानी भी लेते हैं, नहाना वहाना तो होते रहता है, ठीक है। शैम्पू की कमी के कारण एक ही शैम्पू है, शैम्पू भी खत्म हो गया अभी, और मैं दुकान गया था मिलाना भूल गया, ठीक है। तो ये इनका टिक शैम्पू है, ये टिक हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, टिक सोप है, ठीक है, टिक का साबुन है इनका, तो उसी से इनको नहला देते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सिंपल रहता है पिटबुल्स को नहलाना, लोगों को लगता है पिटबुल रखना कितना ही मुश्किल है, कितना ही हुआ है, तो भाई सबको बता दो कुछ नहीं होता, बाल इनके छोटे होते हैं तो ये नहा एकदम से लेते हैं, ठीक है, एकदम से बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पानी डालो इनके ऊपर। हिचकी आने लगती नहला के, गलती दिन नहला कर दे नहलाने में, गर्मियों के दिन है आजकल, पानी में भी डुबा के रखोगे इनको कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, पानी फट गया बाबू का, सांस फट गई, सांस फट गई, ठीक है, बढ़िया करके नहला देते हैं। और इसके सामने लाया हूँ लाइफबॉय का साबुन, क्योंकि है टिक साबुन, तो इससे ना हम इसके ना फेस में या मुंह के अंदर को नहीं कर सकते, ठीक है, उससे फिर केमिकल वगैरह होते हैं तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम साथ में लाइफबॉय का साबुन लेके आए इसका जो, अरे बाद में भौंक लेना तुम, तो ये भौंक इसलिए रहे कि अच्छे अंदर जाना खोल जाएगी, खोल दे खोल दे, ठीक है। तो आगे फेस के लिए जो मुंह से स्मेल आ रही है इसके बाद वो चीज़ है, उसके लिए हम लाइफबॉय यूज करेंगे। बहु जाओ बाद में चले आना, आप जाने दो ना बाकी लोगों को, जाने दो, आपका नहाने का समय है। इस तरीके से 5 मिनट भी नहीं लगते मेरे कुत्ते को मुझे नहलाने में, और यह हमारा कुत्ता हो चुका है रेडी। अब ये मुझे पता है थोड़ा गंदे धंधे में जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब तुम साफ हो गए हो, तुम्हारे अंदर गंदगी नहीं बची है, थोड़ी देर बाद दे वहां पे, हाँ इसको हम बांध देते हैं, तब तक ये सूखेगा, इसको खोलेंगे दूसरे को बांध देंगे। इसके ऊपर पायदान के ऊपर आते हैं पकड़ पाएंगे, बट ये थोड़ी बहुत सैतानी कर लेते हैं, और इनके लिए नए पट्टे लामे छोटे छोटे, ये करेगी। इसका कलर धीरे धीरे सही आ रहा है, जस्ट लाइक मैंने अगर बताया होगा कि जहाँ ये पहले रहते थे कलर उड़ गया था, बचपन में इतना नहीं उड़ा था, पर ये बाद में उड़ गया था इनका कलर धूप में रखे रखे। फिर उसमें इतना मस्त होता है ना, इनके बाल बाल ज़्यादा होते नहीं है, तो इनको एकदम से भीग भी जाते हैं, और एकदम से साबुन अप्लाई करो तो मस्त। ऐसे ये डॉग का ही साबुन है, ठीक है, गाय भैंस डॉग्स का होता है ये, जानवरों का ये, कुत्ते का ही है, टिक वगैरह ना हो, वैसे हाँ जुए वगैरह पिस्सू वगैरह ना हो। वैसे मैं नहलाता नहीं हूँ अपने कुत्तों को टिक वाले उससे, क्योंकि होते नहीं है कुत्तों में, शैम्पू से ही नहलाता हूँ, नहीं नहीं निकलते इससे, एक बार वो लेके आया था मैं, उस टाइम कहाँ हुए थे, आ बेबी ले, खाली हो बेबी। और ये हमारी जूली जी ने भी नहा लिया, और इन तीनों को हम बेबी के एक ही पट्टे से बांध रहे हैं, उसको खोलेंगे और इसको बांध देंगे, और वो अभी तक सूखा भी नहीं है, सूख भी जल्दी आता है, ऐसा इशू नहीं है। इनके लिए अभी हम पट्टे लेके नहीं आए, बस गले के लिए स्ट्रैप लेके आ रखे, अभी वो ऐसा जिससे ऐसे घुमाने के लेके जाते बात ना था वो नहीं लेके, क्योंकि खुले ही रहते हैं बेड में सोते अंदर साल ये। कौन बेबी, अरे वो इधर भी दिख रहे हैं, मैं बेबी हूँ, मैं नहाने में हरकतें कर रही हूँ। हमने इन दोनों को नहलाया तो बेबी इतनी चालू है, पीछे जाके छुप गई और आगे को नहीं आ रही थी कि हम इसको नहलाएंगे, घर का वहाँ पर जाकर गोद बैठा के लेके आऊँ इसको, छोड़ेगा भाग जाएगी आज जल्दी। बीबी जी ऐसा होता नहीं है, नहलाई धुलाई तो होनी पड़ेगी। हाँ देखिए कितनी सुंदर कर रही है, कहाँ गई है, कीचड़ में, कीचड़ से आ रही है पूरा कीचड़ कीचड़ गजा बीबी, सही फैसला था उसको नहलाने का, ये कहाँ से लगी इतना कीचड़, साबुन भी गंदा कर दिया है, कीचड़ हो गया यहाँ पर, देख लो नहा दो मिनट में लेकर कोई पता नहीं चलता नहाते नहीं है। बीबी जी को नहला दिया, इसका साबुन भी धोए थे, पाँव में इतना कीचड़ लगा के आई थी, फिर पकड़ के नहला दिया तो सब गंदा कर दिया बीबी आपने, कपड़े से होता है इनके अंदर की धूल गंदगी साफ हो जाती है अच्छे से, बेबी बूढ़ी हो गई, बेबी अच्छे से बैठना,
साफ करने बाबू तुझे साफ कर रहे पूरी मुंडी चुका के बैठी बेबी कह रही छोड़ दो मुझे मैं बेबी जी बेबी कुछ नहीं बाबू भी तो कहाँ कहाँ है ये रुतर रुतर तो इसके अंदर किचन भर कर इधर आ इधर सबसे बड़ी हो गई सबसे शैतानी यही कर रही है खाने में अब आई आई मूवी चलो आज कौन से मोड़ नवाई बदल तो नहीं आज कहाँ जाने नहीं पहले भी नहीं आया हमें पहले इनको नहाना चाहिए था क्योंकि नहाना चाहिए था पर अब आई लाइव बॉय की बारी लाइव बॉय इसी नहलाएंगे हम बॉय को अपने दांत गंदी क्यों हो रहे तुम्हारे पर गिर गया मैं भी तेरी बच्चों ने मेरा बुरुस तोड़ दिया अरे इधर नहाए तो बोल कर लेंगे वो इनकी वैसे तो साफ हो जाएंगे तेरी चक्कर दिखा ना क्या सेवन करेगी तेरी चक्कर गर्मी में खास कर दी है बेबी ने वो साइज नोटिस करो वो छोटे छोटे कैसे देख रही है कैमरा उठाए में वो ऐसी दिख रही है क्या उठाना नहीं दिख रहा अब हो गया नहा लिया बाबू नहा लिया अरे कैमरा कैमरे में मत लो मुझे ऐसे रखना इसका वजन इतना बढ़ गया ना रुक एक ऐसे रखना हाँ अब दिख रही है ठीक है अब इसका ये देखो साइज देखो और ये कहाँ मेरी लहरू हौसी थी ना ये फोटो मेरी इंस्टा पे आप देख सकते हो बेबी कैसे बाबू नहा के साफ सुथरे हो गए हो तुम ठीक है कैमरा ऊपर को कर थोड़ा ऐसे कर एक ना थंबनेल वाली वीडियो होगी तो मैं इसको लाया था इसको ऐसे करके पकड़ा था इतनी सी थी इतनी सी होगी इतनी सी आज देखो हाँ ऊपर को करना कैमरा थोड़ा सा नीचे हल्का सा ऊपर को ऊपर को कर थोड़ा सा मारी मारी ये हमारा फुल ग्रोन पिटबुल ठीक है फुल ग्रोन पिटबुल एक साल के हो चुकी है ये और नहाने में नखरे करती है कि बेबी जी अब मेरे से नहीं उठाई जा रही है बात दोस्त हो भाग गई मेरे हाथ में दर्द हो गया आ जा नहा लिया तो भाई इनको बहुत मुश्किल से नहला दिया है और ये है हमारे बच्चे हमारी बेबी जो गुस्सा है इसको क्योंकि नहला दिया है वरना बहुत खुश रहती है नॉर्मल टाइम पे इसको देखोगे अभी गुस्सा जैसी लग रही है जैकी जैकी चेला जूली फंस गई है ए उसके गले से उठ ये मेरा परिवार ही छोटा सा बेबी आ देख ये जैकी कूदा ये जूली अच्छे से बैठ ये हमारी जूली है ठीक है प्लीज अब जूली जी चलो जूली आप भी आराम करो आज जूली ये सूख चुके हैं बेबी अच्छा क्यों हो गया क्योंकि नहला दिया है बेबी गुस्सा है तू बात नहीं करनी बस चुको बात नहीं करनी चुको बात नहीं करनी चुको बात नहीं करनी और जाके उधर चले गया ठीक है हाँ ये है मेरे तीनों पिटबुल और देखो ये भागी अंदर क्योंकि उसको डर है कि साला दोबारा पकड़ के ना नहला दे तो ऐसा है ऐसे हम अपने कुत्तों को नहलाते हैं 15-20 मिनट लगता है भाई तीनों को नहलाने में और ये अभी वीडियोस की चक्कर में वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा वरना 20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट में मैंने नहा लेता हूँ नहला देता हूँ और परसों मैंने इनके नेल्स भी काटे थे वो चीज़ मैं दिखाना भूल गया क्योंकि यार मैं ना कॉन्टेंट बहुत कम शूट कर पाता हूँ और आई डोंट नो मुझे व्लॉगर भी बनना है और मैं कॉन्टेंट भी शूट नहीं करता हूँ बट चीज़ें सारी करता हूँ मैं कुत्तों से रिलेटिव नहलाना धुलाना इन्हें इनके नेल्स काटना इनकी चीज़ें करना इनको घुमाना वॉक करवाना सब कुछ करवाना अगर आपको ये वीडियोस चाहिए इनके बारे में इनके देखने हैं डेली बेसिस तो मेरे को बोलो क्योंकि यार सब्सक्राइबर व्यूज़ उतने आते नहीं है ना तो मेरे को थोड़ा कम रहता है
मन सा नहीं करता रियल बताऊँ तो करने का इतना ज़्यादा, जैसे आदमी के व्यूज़ वगैरह ठीक आए ना वीडियोस वगैरह में तो वो करता है कंटेंट दिखाए। अगर आपको चीज़ों के तीन पिटबुल्स हैं मेरे पास, इनके बारे में देखना है मैं इनको कैसे 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 ट्रीट करता हूँ, और ये तो आज अचानक से बनाई है, मैं कोशिश करूँगा कॉन्टेंट भी अच्छा अच्छा लेके आऊँ, और जैसे आपको देखना है वैसे मैं दिखा भी पाऊँ, ठीक है? तो मुझे बताना, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच यहाँ तक के लिए ब्लॉग देखने, यहाँ छोटा सा, और बताइएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हम और शूट करेंगे और डालेंगे। अभी तो एक महीने पुराने ब्लॉग बचे पड़े, जब ये आए थे स्टिल एक महीने से ज़्यादा हो चुका है। और ये देखो, ये देखो हमारा जैकी की धूप में बैठा, कह रहा है मुझे धूप में जैकी ए अभी नहला दो चिकू, आ जा चलो अंदर चल ले, तुम्हें शर्म आ रही है, तुम्हें शर्म मैं चल रहा है, गर्मी हो रही है, धूप आ रही है, जैकी जैकी शर्म आ रही है, शर्म एक शर्म कहते हैं, शर्म लाज आ जाती है लोगों को, तुम्हें आ रही है, धूप में बैठे हो तुम नहाने के बाद इतनी गर्मी में, और नहा नहीं रहे हो तुम अच्छे से प्रॉपर तरीके से, क्या देख रहा है तू ऐसे मुझे बता। और भाई जब ये आए थे, अब पता नहीं मैंने वाली वीडियो में बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है, मेरे को ना कन्फर्म याद नहीं है, जिस दिन ही आए थे उस दिन मैंने आई थिंक बोला था, क्योंकि ये थे उस टाइम तक थोड़े बहुत अग्रेसिव हो रखे थे ये, और मैं इनको लेके भी अपने घर पे इसीलिए आया था कि मैं इनको सही कर पाऊँ और अच्छे से रख पाऊँ, क्योंकि जहाँ ये थे वहाँ ये अच्छे से रह नहीं पा रहे थे और अग्रेसिव होने लग गए थे, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल जस्ट लाइक पिटबुल्स के केसेस आते हैं, तो उस जर्नी पर उस पाथ में चले जाते। और बट लकीली भाई मैं एक महीना हो चुका है, और आई डोंट नो यार मैं व्लॉग शूट क्यों नहीं कर पाता हूँ, बट मैंने इन पर बहुत टाइम दिया भाई, एक महीना हो चुका है, इनको फुल ट्रेन फुल चीज़ें, बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है, मेरे वहाँ के लोग आते हैं भौंकते हैं, एक जस्ट लाइक डॉग नॉर्मल सा कोई ऐसा भी डॉग होता है हल्का भौंकते हैं, बट ये नॉर्मली जाके फिर खेलना शुरू कर देते हैं, ना किसी पर अग्रेसिव है ना कुछ है। स्टिल हमारी मुर्गियाँ शाम के टाइम पर तक खुलती हैं, बनाऊँगा मैं व्लॉग उसके बारे में अगर आप पूछिए होगा तो, अब मैं कोशिश करूँगा व्लॉग्स में डेली डालूँ, तो उनके साथ भी ये उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब खेलते बोलते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं राइट पाथ में चल चुके हैं, जैसे हमारी बेबी थी वैसे ये भी है, क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से। आई होप मैं आपको दिखा पाऊँ, लंबा हो गया ब्लॉग बहुत ज़्यादा, ठीक है बाय बाय।